न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार में हर वर्ष की भांति दीपावली की एक महीने पहले माँ गंगा के पानी को रोक दिया जाता है ताकि माँ गंगा में साफ सफाई कर सके, लेकिन इस वर्ष माँ गंगा के पानी को बंद किए हुए 12 दिन बीतने के बाद भी कोई सफाई का कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में संजय चौपड़ा हरिद्वार सब्जी मंडी पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफाई कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। यह विषय है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की हरदर्मिता को देखते हुए आप देखेंगे कि 5 अक्टूबर से गंगा जी का जल विन किया हुआ है और अब तक जो है 12 दिन हो गए और 12 दिन में यदि आप देखेंगे तो 12 कदम भी काम नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि मालवीय घाट को देख लीजिए, हरकी पौड़ी क्षेत्र देख लीजिए, बिरला घाट देख लीजिए और ये तमाम अलकनंदा घाट देख लीजिए, तमाम आप देखेंगे कि कितना कूड़ा करकट से भरा हुआ है। पहले तो ये होता था कि अखबार अभियान चलाते थे, प्रेस अभियान चलाता था तो बहुत सारी संस्थाएँ जो हैं सहयोग करती थी, स्वयं आकर जो है सफाई करने का काम करती थी। अब अखबारों ने भी अभियान चलाना बंद कर दिया। अखबार चलाते थे TRP के लिए, न्यूज़ चैनल चलाते थे इस खबर को, तो एक अभियान चलता था तो बहुत सारी संस्थाएं जो हरिद्वार के अंदर हैं वो स्वयं ही सफाई करती थी, लेकिन इस बारी एक अजीब सी विडंबना देखने को मिली है कि कोई भी संस्था सफाई के नाम पर आगे आने को तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये जांच का विषय है, बहुत बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे आप कि ये अपना डाम हरकी पौड़ी से होते हुए और डाम कोटी तक जो गंगा बिंदु है वहाँ से लेकर और डाम कोटी तक ये गंगा का प्रभाव है, ये वैसे भी नहीं रुकना चाहिए। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो अवैध खनन आपको मिलेगा, रेता उठाते हुए लोग मिलेंगे आपको, पत्थर उठाते हुए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है और मिली भगत के कारण जो है यह गंगा जी की आज की तारीख में इन्होंने दुर्दशा कर रखी है। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लें, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इसका संज्ञान लें और यहाँ तक के उच्चतम न्यायालय भी इसका संज्ञान लें कि गंगा जी पर लगातार एक कार्यक्रम पे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो नमामि गंगे हो चाहे स्पर्श गंगा हो, लेकिन नमामि गंगे और स्पर्श गंगा जो अभियान चल रहे हैं सिर्फ मात्र घाटों पर सफाई होती है, सिर्फ गंगा की सफाई नहीं होती, घाटों की सफाई होती है और घाटों के निर्माण होते हैं और इसमें सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया जाना चाहिए। एक वो सामाजिक संस्था जो गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं, एक वो सामाजिक संस्था जो जनता के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं को साथ में लेकर जब तक आप जिम्मेदारी जनता की मुकल्लम नहीं करेंगे, जनता की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक मैं समझता हूँ कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता।